ओके, ये क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 4:1. 5 years हेंस द फादर एज विल बी थ्राइस ऑफ हिज सन एज एट दैट टाइम. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एजेस. तो इसको हम लोग दो मेथड से करेंगे. तो सबसे पहला मेथड है नॉर्मल तरीका से. तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन कितना है, 4:1 है कि 4x फादर के एज एंड एक्स सन के एज. ठीक है, 4:1 हो रहा है. अब इसमें 5 years हैंस यानी कि 5 साल बाद, इसमें भी 5 साल ऐड बड़ा होगा, ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा. अगर पहले बोलता अगर 5 years पहले तो हम लोग माइनस करते. ठीक है, तो अब इसके बाद 5 साल बाद एज कितना हो जा रहा है इनका. फादर का एज होगा थ्राइस सन का एज, यानी कि सन का एज अगर 1 है तो इसका थ्राइस यानी कि ये हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 4x 5 3x 15. ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 10. अगर x का वैल्यू 10 है तो डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज कितना था, 4:4x 1 था, तो कितना हो गया, इसका ईयर ऑफ 40 हो गया एंड ये हो गया इसका 10 हो गया. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 का, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर. आई होप आपको ये समझ में आया हो. और कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ठीक है, अब इसका सेकेंड मेथड देखते हैं. तो सेकेंड मेथड में यहाँ पर फादर लिखना है और यहाँ पर सन लिखना है. ठीक है, रेशियो कितना है, 4:1 का, एंड 5 साल बाद रेशियो कितना हो जा रहा है, 1:3. अब इनका बीच का गैप देखना है. ठीक है, इनका बीच का गैप कितना है, 3 का गैप है, और इनका बीच का गैप कितना है, 2 का गैप है. अब आप एक बात बताइए, अगर दो इंसान हैं, दोनों का अगर 5 साल अगर बढ़ रहा है, तो चाहे जितना भी बढ़ रहा है जो भी एज, लेकिन उनका जो गैप होगा, उनका जो एज का जो डिफरेंस होगा, वो तो सेम हो जाना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इक्विवेलेंट नहीं है रेशियो. ठीक है, अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो इक्विवेलेंट कर देते हैं. इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी कि कितना हो रहा है, ये होगा 2 एंड 4 2 8, ये हो गया 3 एंड 3 9. अब क्या हो गया, रेशियो इक्विवेलेंट हो गया. इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 का, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 का, यानी कि इक्विवेलेंट है रेशियो. अब हम लोग कर सकते हैं, अब इनका गैप निकालो. ठीक है, इनका और इनके बीच का गैप कितना है, 1 ईयर का, 2 और 3 का बीच का गैप. ये 1 जो ईयर है, ये 5 के इक्विवेलेंट है. ठीक है, क्योंकि 5 ईयर्स था इनको, 5 ईयर्स था, तो इस 1 का वैल्यू हो गया 5. ठीक है, तो अब इसका प्रेजेंट एज का रेशियो 4:1 है, यानी कि कितना होगा इसका, 5 2 हो गया 10 एंड 5 8 कितना हो गया, 40. देखिए इसमें भी सेम आंसर आ गया, फादर का एंड सन का एज. अब इनका बीच का डिफरेंस बोला है, तो डिफरेंस कितना है, 30 ईयर्स का. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.